राजीव गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस पार्टी की कमान और प्रधानमंत्री की कुर्सी नरसिंह राव के पास आई। नरसिंह राव पर पार्टी के अंदर से यह आरोप लगते रहे कि वो प्रधानमंत्री चाहे जैसे हो लेकिन पार्टी संगठन की मजबूती के लिए कुछ नहीं कर पाए। उसी दौर में पार्टी के तमाम असंतुष्ट नेताओं की नाराजगी सामने आने लगी थी। ऐसे में तय हुआ कि पार्टी अध्यक्ष के चुनाव कराए जाएं और ऐसा नेता चुन लिया जाए जो पार्टी को आगे ले जा सके। ये चुनाव तीन कद्दावर नेताओं के बीच लड़ा गया। आजादी के कई दशकों बाद भी कांग्रेस प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री के पद दो अलग अलग लोगों के पास नहीं हुआ करते थे। जब गांधी परिवार से बाहर का व्यक्ति भी कभी कांग्रेस अध्यक्ष हुआ करता था तब भी फैसले बतौर प्रधानमंत्री पंडित नेहरू या इंदिरा ही लिया करती थी। लेकिन 1991 इससे अलग था। राजीव गांधी की हत्या के बाद पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने। अगले साल वो कांग्रेस अध्यक्ष भी चुन लिए गए। लेकिन जानकार मानते हैं कि सोनिया गांधी और पीवी नरसिम्हा राव में कई मुद्दों को लेकर मतभेद था, जिसमें मुख्य था नरसिम्हा राव का हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती देना जिसमें बोफोर्स मामले में राजीव गांधी के खिलाफ सीबीआई केस को उच्च न्यायालय ने खत्म कर दिया था। बोफोर्स जो था वो एक तरीके से सोनिया गांधी के लिए दुखती रग थी क्योंकि उनके स्वर्गीय पति का नाम था, कांग्रेस पे इतना बड़ा इल्जाम लगा था। नरसिंह राव जो थे वो व्यक्तित्व जो उनका था वो झगड़ालू नहीं था, लेकिन क्या होता है जब वो प्रधानमंत्री बने और कांग्रेस अध्यक्ष भी थे तो उन्हें जैसे एक अपने बारे में मुगालता हो गया कि वो बहुत ज्यादा ताकतवर हैं और वो उन्होंने कांग्रेस के दूसरे लोगों को नहीं समझा। और जितेंद्र प्रसाद और जो उनके बहुत सारे विद्याचरण शुक्ला जो उनके राजनीतिक संकट मोचक थे उन्होंने एक तरीके का, और दक्षिण भारत से और भी कई नेता थे उन्होंने इस तरह की हवा गुब्बारे में से हवा भरी जाती भरने लगे नरसिंह राव को कि आप ये क्या, ये 10 जनपद की क्या बात है, सोनिया गांधी फैक्टर क्या बात है, हर चीज में आप वो करते हैं, अपने आप को दिखाइए कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और आप अपनी मन मर्जी चलाइए। 1996 में कांग्रेस चुनाव हारी तो नरसिम्हा राव ने कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ दिया। यहाँ से एंट्री हुई सीताराम केसरी की। सीताराम केसरी आजादी की लड़ाई में भूमिका निभा चुके थे। वो बिहार कांग्रेस के एक युवा नेता थे, कई बार जेल जा चुके थे। 1973 में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने और 1980 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के ट्रेजरर बने। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और नरसिम्हा राव सरकार में वो मंत्री रह चुके थे, यानी गांधी परिवार के करीबी माने जाते थे। 1997 में कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए मुकाबला त्रिकोणीय हुआ। सीताराम केसरी के सामने थे शरद पवार और राजेश पायलट। कहा जाता है कि इस चुनाव में अपनी जीत को लेकर सीताराम केसरी इतने आश्वस्त थे कि वो अपने बंगले से पूरे चुनाव के दौरान बाहर ही नहीं निकले, जबकि उनके सामने शरद पवार और राजेश पायलट एग्जीक्यूटिव जेट्स में देश के कोने कोने में जाकर पीसीसी के डेलीगेट से मिलते थे ताकि वो उनको वोट करें। वही केसरी अपने सोफे पर बैठे बैठे देश भर में अपने क्षत्रपों को फोन घुमाकर अपने लिए वोट जुटा लेते थे। तो किसी जी कहते थे कि देखो तमाम प्रदेश अध्यक्ष जो है वो मेरे नाम पे, मैंने अपने हस्ताक्षर से उन्हें अध्यक्ष बनाया है या वो मुझे आकर के रिपोर्ट करते हैं। वो केसरी जी अपनी जीत को लेके बहुत ज्यादा आश्वस्त थे और उन्होंने जितेंद्र प्रसाद को जो उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष थे उनको उपाध्यक्ष भी बना दिया था, तो उन्हें पता था कि उत्तर प्रदेश के वोट जो है जो करीब 1200 के करीब थे वो उनकी झोली में है। 9 जून 1997 को चुनाव की तारीख रखी गई, जब 8000 से ज्यादा पीसीसी सदस्यों को अध्यक्ष के लिए वोट करना था। सीताराम केसरी ने ज्यादातर पीसीसी में अपने लोगों को ही लगवा रखा था। उत्तर भारत में केसरी के 1730 पीसीसी समर्थक थे जबकि 457 खिलाफ थे। पूर्व में 1420 समर्थक थे, 768 खिलाफ थे। पश्चिम में 575 समर्थन में थे, 653 खिलाफ थे। दक्षिण में 940 पीसीसी सदस्य समर्थन में थे जबकि 790 सदस्य खिलाफ थे। नामांकन के आखिरी दिन केसरी के समर्थन में 67 नामांकन पेपर्स थे तो पायलट और पवार के पास सिर्फ 3 थे। शरद पवार ने अपना थोड़ा सा जो उनमें दमखम है दिखाया, वो विभिन्न राज्यों में जाने लगे, वहाँ काफी उन्हें समर्थन मिलने लगा। राजेश पायलट भी जैसे अभी शशि थरूर कर रहे हैं, नएपन की उन्होंने बात करी। और तो फिर क्या हुआ कि जैसे मुझे स्मरण है कि जितेंद्र प्रसाद भोपाल आए तो उनको पार्टी का ऑफिस बंद मिला, उस दिन कोई ताला बन के चल करके चला गया।
कई और राज्यों में उन्हें काले झंडे दिखाए गए, तो चुनाव बड़ा एक कड़वाहट उसमें आ गई। केसरी के समर्थन में जीबी पटनायक, माधवराव सिंधिया, जितेंद्र प्रसाद, एके एंटनी, वीरभद्र सिंह, एसबी चव्हाण, जी वेंकटस्वामी, विद्याचरण शुक्ल और भजनलाल थे। चुनाव के परिणाम आए तो राजेश पायलट को 354 और शरद पवार को 882 वोट मिले, जबकि केसरी को 6227। चुनाव के बाद एक इंटरव्यू में सीताराम केसरी ने शरद पवार और राजेश पायलट पर तंज कसते हुए कहा था, देखा मैं कहता था हवाई यात्रा के अपने नुकसान है, आम कांग्रेसी अपने नेता को इतनी ऊंची लाइफस्टाइल में नहीं देखना चाहता।